गर्मी में सांपों को ठंडक देने की कोशिश की जा रही है उज्जैन के इस केंद्र में। हम आपको बता दें, सांप पर बदलते मौसम का असर बहुत जल्दी होता है, इसलिए सर्दी में भी इस केंद्र पर सांपों को धूप दिखाई जाती है। गर्मी में स्नान करते सांप, लगाई जा रही है डुबकी, किसी को दिया जा रहा है शावर, किसी को रखा गया ठंडे बर्तन में। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, लोगों के साथ साथ सांपों की भी हालत खराब हो रही है। सूखते तालाबों और नदियों से परेशान होकर वो इंसानी बस्तियों की ओर भाग रहे हैं। उज्जैन के सरीसृप संरक्षण एवं शोध केंद्र में आसपास के इलाकों के सांपों को लाकर ठंडा माहौल देने की कोशिश की जा रही है। उन्हें नहाने के लिए यहाँ पात्र तो है ही, साथ ही उन्हें शावर के जरिए भी ठंडक पहुँचाई जा रही है। खास जीव है सांप, गर्मी में चाहिए ठंडक और सर्दी में गर्मी। जी हां, सांपों को गर्मी से निजात दिलाने की कोशिश तो आपने देख ली, अब जरा देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें सर्दी की हैं, जब सांपों को ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सर्दी में कैसे धूप सेक रहे हैं सांप, पूरे शरीर को दे रहे हैं गर्मी। जानकारों के मुताबिक सांप खास जीव है, ये ठंडे खून के प्राणी है जिसे सर्दी और गर्मी दोनों बहुत परेशान करती है। गर्मी के अलावा जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो इनकी हालत भी खराब हो जाती है। सर्दी के मौसम में अनुसंधान केंद्र में सांप को गर्म चेंबर में तो रखा ही जाता है, साथ ही उन्हें धूप से सेंका जाता है। लोग न मारे सांप, आता है ये कई काम, जहर से बनती है कई दवाएं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सांप बहुत ही अनूठा जीव है जो हर जगह पाया जाता है। ये चूहों को मार फसलों को तो बचाता ही है, साथ ही इसके विष से कई जीवन रक्षक दवाएं भी बनती हैं। जो देश की इकोनॉमी है, जो हमारा आर्थिक तंत्र है, सांप उसमें सीधे सीधे फायदा करते हैं चूहों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। और दूसरा जो स्नेक वीनम है, सांपों का जो जहर है, वो भी एक मॉडर्न ड्रग के रूप में डेवलप हो गया है और उससे कई प्रकार की जो हमारे मनुष्य की असाध्य बीमारियां हैं जैसे कैंसर है या हार्ट है, उसकी दवाइयां बनाई जा रही है और उस पर निरंतर शोध चल रहे हैं, बहुत उपयोगी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस जीव को मारना नहीं चाहिए बल्कि किसी भी तरह से इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। राजेश कुलमी, सहारा समय, उज्जैन।